नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका ग्रे कार्ड में। तो यूपी में एक बार फिर से कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में एक पुलिस वाला एक शख्स पर लाठियां बरसा रहा है और जिस शख्स को लाठियां मारी जा रही है उसकी गोद में बच्चा रो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस शख्स को मारा जा रहा था वो बार बार पुलिस से अपील कर रहा था कि बच्चे को लग जाएगी, उन्हें ना मारें, लेकिन पुलिस वाला नहीं माना और लाठियां मारता रहा। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर यूपी पुलिस की कड़ी आलोचना हो रही है और बीजेपी के ही सांसद वरुण गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ग्रे कार्ड में आज इसी मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे डिबेट, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट में समझिए पूरा मामला। न्याय मिल सके, ये नहीं कि न्याय मांगने वालों को न्याय के स्थान पर इस बर्बरता का सामना करना पड़े। ये बहुत कष्टदायक है। भयभीत समाज कानून के राज का उदाहरण नहीं है। सशक्त कानून व्यवस्था वो है जहां कानून का भय हो, पुलिस का नहीं। वरुण गांधी के साथ ही यूपी में कांग्रेस को धार देने के लिए डटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक वीडियो ट्वीट कर दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मानव अधिकारों की दुहाई दी है। उन्होंने पुलिस ने ये लाठी चार्ज जिला हॉस्पिटल के कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर किया था। कर्मचारी हॉस्पिटल के बगल में चल रही खुदाई का विरोध कर रहे थे क्योंकि उसकी मिट्टी उड़ उड़ कर पूरे हॉस्पिटल में भर जाती थी। लेकिन इस दौरान बच्चा लिए एक पिता पर जो पुलिस ने कार्रवाई की उस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस दौरान एक कर्मचारी रजनीश को पुलिस मारते हुए थाने भी ले गई। एसडीएम वागीश शुक्ला का आरोप है कि कर्मचारी सुबह से हॉस्पिटल में प्रदर्शन कर रहे थे, गेट बंद किए थे, इसलिए एक कर्मचारी रजनीश को पकड़ गया और एसडीएम ये भी कहने से नहीं चुके कि लाठी चार्ज तो कहीं हुआ ही नहीं। प्रशासन का आरोप है कि हॉस्पिटल के कर्मचारियों से मरीजों को परेशानी थी, ऐसे में उनको हटाना प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी थी। पुलिस के मुताबिक पहले बातचीत के जरिए प्रदर्शन को हटने के लिए कहा गया था, लेकिन जब बात नहीं बनी तब लाठी चार्ज कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने जिला अस्पताल के कर्मचारी नेता रजनीश शुक्ला को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और पुलिस वैन में लेकर चले गए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर यूपी पुलिस की कड़ी आलोचना हो रही है और बताया जा रहा है कि लाठी बरसाने वाले एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने अपनी सफाई में कहा है कि जिस शख्स को मारा जा रहा था वो और उनका भाई अस्पताल में अराजकता फैला रहा था। अब मामले की पूरी सच्चाई तो निष्पक्ष जांच में ही सामने आ पाएगी, लेकिन फिलहाल इस मामले ने बीजेपी को बैकफुट पर जरूर लाकर खड़ा कर दिया है। स्पेशल डेस्क
आर्य न्यूज। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, आपका परिचय आज के खास मेहमानों से करवा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी शाही जी और कांग्रेस पार्टी से कुंवर सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अश्विनी शाही जी और कुंवर सिंह जी आप दोनों का आर्य न्यूज पर। और सबसे पहले अश्विनी शाही जी आपसे मेरा सवाल है कि आखिरकार एक बार फिर से गोरखपुर का मामला भी ठंडा नहीं हो पाया था कि कानपुर में पुलिस की बर्बरता पर सवाल खड़े हो गए हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चे जो बच्ची जो विशक्स है उसके गोद में बच्ची है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर तरह तरह लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये अमानवीयता नहीं तो क्या है? मोहन जी, कानपुर में जो हुआ पुलिस के द्वारा जो किया गया वो दुखद है और उसकी निंदा की जानी चाहिए और पुलिस को वहां के इंस्पेक्टर को सस्पेंड करके सरकार ने अपना जो है एक न्यायोचित काम किया है। मगर एक तरफा सोचना भी उचित नहीं है, इस मामले को दोनों तरफ से सोचना चाहिए। क्योंकि जो आंदोलन वहां हो रहा था, वहां पर आंदोलनरत कर्मचारी जो बच्चे को लिए हुए था हाथ में, उसने पुलिस वाले के हाथ को पहले काटा था, तो पुलिस को कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए बल प्रयोग करना पड़ता है। और मैं जहां तक कहना चाहूंगा कि मैंने पहले निंदा की है, लेकिन उसके बाद भी कहना चाहूंगा, आप हो हम हो अगर कोई भी हो, पुलिस अगर बड़े प्यार से कहती है तो पुलिस का सम्मान नहीं होता इस देश में। इस देश के लोग मानवाधिकार की दुहाई तो देते हैं, मगर अपने जो मानवाधिकार का हनन करते हैं वो दूसरों के साथ, वो उसको सही भी ठहराते हैं। तो इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि ये काम अच्छा हुआ, मगर एक कर्मचारी के द्वारा जो काम किया गया पुलिस को काटने का और पुलिस के द्वारा जो पुलिस के ऊपर जो जिस तरीके से वहां पर जो बाद में सूचनाएं आई हैं वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था, वो भी नहीं होना चाहिए था। और इसको आपने गोरखपुर की घटना से जोड़कर देखा, ये तो एकदम निंदनीय है। इसको गोरखपुर की घटना से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, गोरखपुर की घटना दूसरी थी, यहाँ की घटना दूसरी थी। गोरखपुर में जो पुलिस कर्मी दोषी पाए गए वो गिरफ्तार करके जेल में है, अगर उनको सरकार से मैं मांग करता हूँ, सरकार नहीं न्यायालय से, उनको फांसी की सजा दी जाए क्योंकि उन्होंने बर्बरता किया था। यहाँ पर कानून व्यवस्था को संभालने का काम भी पुलिस के हाथ में होता है और कोई एक आम व्यक्ति अगर इस तरीके से उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो थोड़ा बल प्रयोग तो करना ही पड़ता है। अश्विनी शाही जी, आपने जो जवाब दिया उसमें ही एक और सवाल आ जाता है कि जब पुलिस अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही थी तो आखिरकार जब वो व्यक्ति अपनी ड्यूटी कर रहा था जो एसएचओ था, उसको फिर किस मतलब अपने ड्यूटी निभाने के बजाय उसमें सस्पेंड कर दिया? उसको तो पारितोषिक देना चाहिए था जब वो इतनी अच्छी ड्यूटी कर रहा था, सस्पेंड आपने फिर क्यों कर दिया? इस हिंदुस्तान में यही दुर्भाग्यपूर्ण है, शासन प्रशासन अगर कोई काम करे तो सरकार दोषी है, हमारे विपक्षी लोगों के द्वारा, और आप लोग जो है इस चीज को मुखरता से जिस चीज को दिखाते हैं तो सरकार को कभी कभी फैसले लेने पड़ते हैं जो कि न चाहते हुए भी करना पड़ता है। मैं इस तरीके से नहीं बोलूंगा कि आपने जो है सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया है या दरोगा ने, लेकिन जिस तरीके से उस दरोगा को या उस सिपाही को जो भी वहां पर जिसने भी डंडा चलाया है उसको जिस तरीके से दिखाने का काम किया गया है सोशल मीडिया के द्वारा और मीडिया के द्वारा, मैं मानता हूं, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूं कि अगर एक बच्चा था, आजकल अगर किसी का को आप थप्पड़ मार दीजिए, किसी को काट लीजिए, उसके बाद एक हाथ पकड़ के पुलिस वाला दंड प्रयोग भी ना करे, क्यों? पुलिस किस लिए है? प्रशासन की रक्षा, आम जन की रक्षा और अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराने के लिए है उसको। अब उसमें आप मानवाधिकार घुस रहे, हिंदुस्तान में मानवाधिकार कर्मियों की कमी है तो फर्जी बातों पर मोमबत्तियां जलाने चले जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हिंदुस्तान में दिल्ली से लेकर और जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक मोमबत्ती जलाने वालों का गिरोह है जो मानवाधिकार के नाम पर देश का विरोध करते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब चीजों में पवन जी थोड़ा सा एक सहृदयता देखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि दोनों पक्षों में क्या हुआ था, क्यों लाठी पड़ी उसको। ठीक है, अब मैं कुंवर सिंह जी आपका रुख करता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले का और एक पूरी सीरीज जो है वो ट्वीट की है जिसमें कई सारे मामलों को उन्होंने उजागर किया है और उन्होंने साफ तौर पर उस ट्वीट में लिखा है कि जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है योगी सरकार में, उस पर उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे एक और भी है,
आजकल वरुण गांधी जी इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं जो आपको एक तरीके से हमला करने का और मौका दे रहे हैं। अंदर खाने कुछ पक रहा है क्या, ये भी बताइएगा। कुंवर सिंह जी, पवन जी, अगर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बोल दे तो उस पर किसी को कोई मौका नहीं छोड़ता है, और सब कोई कहते हैं कांग्रेस में तानाशाही है, कांग्रेस में परिवारवाद है। आज वरुण गांधी जी ने बोला है, वरुण गांधी जी ने पहली बार नहीं बोला है, वरुण गांधी जी ने किसान आंदोलन पर ट्वीट करते रहे, अपनी बात मुखरता से रखते रहे, सतपाल मलिक जी रखते रहे, कई ऐसे नेता जिन्होंने यूपी पुलिस और यूपी के प्रशासन पर उंगलियां उठाई हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं शाही साहब की एक बात से सहमत हूं जो उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं का निंदा होना चाहिए। देश के अंदर लायन ऑर्डर भी जरूरी है, परंतु ऐसी घटना घटित मत करिए जो हमें शर्मसार करती हो। गोरखपुर की घटना ले लीजिए, चाहे आप मैनपुरी की घटना ले लीजिए, हाथरस की घटना ले लीजिए, विकास दुबे हत्याकांड का ले लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश पुलिस निरंकुश और तानाशाह है। रात को बेटी जलती है और पुलिस के लायन ऑर्डर एडीजी बयान देते हैं कि कोई बलात्कार हुआ ही नहीं, फिर सीबीआई चार्जशीट पुटअप करती है। तो क्या एडीजी लायन ऑर्डर और दरोगा तक में किसी ने गलती को स्वीकार किया? गोरखपुर कांड में पहले एफआईआर पर जाइए पवन जी, 6 पुलिस वालों का नाम लिखा हुआ था लेकिन उनके पिता का नाम और कुछ नहीं लिखा हुआ था। बाद में प्रेशर बढ़ा, जनता ने भी कहा, ह्यूमन राइट या जो भी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि गिरोह जो आप अभी साई साहब कह रहे थे कि एक गिरोह है जो कैंडल जलाता है, जब आप विपक्ष में तो एक गिरोह रामलीला मैदान में बैठा था, आजकल वो गिरोह कहीं प्रसुप्त अवस्था में, वो गिरोह नहीं था। ये आप अपनी अपनी सोच का नतीजा, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी घटना घटित हो, यदि विपक्ष आवाज बुलंद नहीं करेगा, यदि हाथरस की बेटी पर प्रियंका गांधी जी नहीं पहुंचती तो आज उस बेटी को न्याय नहीं मिलता। अब चाहे मैनपुरी की घटना हो, कितनी भी घटनाएं हैं, गोरखपुर की घटना हो, आप ले लीजिए उसको, जब दुनिया ने सामने लाया तब तो पता चला कि पुलिस ऐसी भी कार्य करती है, पुलिस इस तरह भी कृत्य करती है। ठीक है कुंवर सिंह जी, आपके ओपनिंग रिमार्क में मैंने बिल्कुल भी टोका टाकी नहीं की, लेकिन आपके आपने जो पूरी कई मामलों का जिक्र किया उसमें एक मामले से मैं इत्तफाक नहीं रखता और आपत्ति दर्ज करता हूं। आपने विकास दुबे हत्याकांड की बात की, विकास दुबे हत्याकांड कैसे हो गया? एक दुर्दांत अपराधी जिसके ऊपर पुलिस अफसरों को मारने का आरोप था और जिस तरीके से मारा गया, जिस बर्बर तरीके से मारा गया, उसके बाद अगर एनकाउंटर में उसकी हत्या हो जाती है आप जिसको बता रहे हो, तो क्या करना चाहिए था? पुलिस वाले मतलब सिर्फ पुलिस वाले ही मरते रहे? अगर अपराधी मारा जाता है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो ट्वीट करने लगती है, एक तरीके से एक कैंपेन खड़ा करने लगती है। हमारा अभिप्राय ये नहीं था पवन जी, हम ये कहना चाहते हैं कि यदि पवन दुबे इनकाउंटर में मारा गया तो अभी आपने देखा कि वहां पर लखीमपुर खीरी के अंदर किस तरह की घटना हुई, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं? मंत्री के बेटे को क्यों बचा दिया गया? क्यों संपत्ति राजसात नहीं की गई? क्यों मंत्री का बेटा जेल में है, जानते हैं आप? गिरफ्तारी की गई, हम ये जानना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सही हुआ या गलत हुआ, मैं सिर्फ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, यदि विकास दुबे का इनकाउंटर पुलिस ने किया है तो ठीक उसी प्रकार की कार्यवाही आप सारे अपराधियों पर करिए, सब पर करिए जिससे जनता का विश्वास हो। कोई विधायक एमएलए बलात्कार का आरोपी है, आप उसको लास्ट टाइम तक बचाते रहते हैं। भाजपा का नेता है, उसको लास्ट टाइम तक बचाते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री का बेटा है, वो लाल कारपोरेट गिरफ्तारी होती। दो तरह के कानून देश में नहीं चलेंगे। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी जब से सरकार में आए हैं, जो इनकी बात से सहमत हो वो तो ठीक है, और जो असहमत हो आंदोलन प्रदर्शन करेगा, उसको देशद्रोह का मुकदमा लगेगा या इनकाउंटर होगा या उसकी पिटाई होगी, जो नमूना आपके सामने है। ठीक है अश्विनी शाही जी, बड़े सवाल उन्होंने उठाए, उन्होंने कहा कि बुलडोजर जब बाकी लोगों पर चल जाता है तो फिर आपके दल से जुड़े हुए जो लोग अपराधी माने जाते हैं उनके ऊपर समान कार्रवाई क्यों नहीं होती? और इसी को लेकर वरुण गांधी जो कि आपकी पार्टी के सांसद हैं, कई मुद्दों पर आपको घेरते रहते हैं, एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि ये जो तरीका है कार्रवाई का, ये कानून व्यवस्था नहीं है।
पुलिस को जनता का एक तरीके से भरोसा जीतना चाहिए, ना कि बर्बरता तरीके से अंग्रेजी जमाने का जो माहौल है वो याद आ जाए। पवन जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भाई साहब इधर आइए कहने से कोई सुनता नहीं है पुलिस वालों के। और वरुण जी जो खुद जो है एक हंटर शाही चलाते हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, कि रात में 9:30 बजे किसी कार्यकर्ता ने फोन कर दिया तो उन्होंने कहा था हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है जो रात में 9:30 बजे फोन उठाए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, भले ही हमारे दल के सांसद हो, ऐसा नहीं है, दल में लोकतंत्र है इसलिए उनकी बातें बर्दाश्त की जा रही हैं। जिस दिन दल को ये लगेगा या उनके अंदर कोई एक बढ़िया आत्मा अंदर घुसेगी और एक उनको एक कोई स्वप्न आएगा, उस दिन दल छोड़कर भी वो विरोध कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन हिम्मत तब होती है जब दल छोड़ दिया जाए, उसके बाद विरोध किया जाए। दल में रहकर विरोध करना उचित नहीं है, ये हमारा सुझाव है वरुण गांधी को आपके माध्यम से। रही बात दूसरी बातों की जो कुंवर जी ने कहा, कुंवर जी की बातों को अभी इन्होंने देखिए, विकास दुबे हत्याकांड की बात की जाए, भले उदाहरण में कहा इन्होंने, ये लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में 25-30 साल से शासन में नहीं है। राजस्थान में हमेरा हम लोगों का पड़ोसी प्रदेश है, वहाँ भीलवाड़ा में हत्या होती है, वहाँ भरतपुर में हत्या होती है दलित महिला की, किस तरीके से डॉक्टर की भरतपुर में सरेआम गोली चलाकर मार दिया जाता है। उन अपराधियों पर कोई गिरफ्तारी का कोई कुछ होता नहीं है। इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं वहां, कहते हैं कि 10 पर गिनती गिन रहा हूं और किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, किसान के हितैषी भी बनते हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस आरसी काट कर उनको खोजती है, उसकी सुध लेने न इनके मुख्यमंत्री गहलोत जी जाते हैं न राहुल गांधी जी जाते हैं। तो आरोप लगाना देखिए कुंवर भाई बड़ा वो है। उत्तर प्रदेश मैं मानता हूँ 24 करोड़ लोगों का प्रदेश है, इसमें घटनाएं होती हैं, और आप बार बार कहते हैं कि प्रियंका जी आई हाथरस में, उन्होंने तो सबने देखा था जब वो चल रही थी वहां से, तो राहुल जी और प्रियंका जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, संवेदना व्यक्त करते हुए खांसी और ठठाका लगाते हुए वो लोग आ रहे थे, वो संवेदना थी उनकी। दूसरी संवेदना आपने लखीमपुर का खुद नाम लिया, अच्छी बात है आपके मुख्यमंत्री दो प्रदेशों के आए, 50-50 लाख रुपया दिया। तरन तारण में दलित किसान मारा गया सिंघू बॉर्डर पर, तरन तारण का था, उसको 5 रुपए भी देने का काम आपके मुख्यमंत्री ने किया। या 170 जो दलित किसानों को वहां मारा गया छत्तीसगढ़ में, वहां पर जो है कुछ 1 पैसे देने का काम किया बघेल सरकार ने, इसको भी देखने वाली चीज होती है। उत्तर प्रदेश में इस समय मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि कहीं कोई संगठित अपराध नहीं है। जो संगठित अपराध थे, पंजाब सरकार ने एक मुख्तार अंसारी को रखा था, नहीं भेज रहे थे, हमने उनको भी बुलाया और नजीर पेश की गई। आज आप लोग कहते हैं लखीमपुर कांड का उठाते हैं, मैं कह रहा हूँ आशीष मिश्रा जेल में है, सजा उसको न्याय अगर देता है कि वो दोषी है, फांसी होना चाहिए तो होना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने कभी उसकी भी मांग उठाई है, जिनको लाठियों से पीट कर वहीं मारा गया लखीमपुर में, आपने कभी कहा कि उनको भी फांसी होनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ आशीष मिश्रा को अगर सर दोषी पाए जाते हैं तो उनको फांसी होनी चाहिए। आप लोगों ने तो उनके घर जाने की बात नहीं की और फर्जी में एक उड़ा दिया कि प्रियंका जी जा रही थी, उनके घर वालों ने मिलने से मना कर दिया। ये है संवेदना आप लोगों की, ठीक है, तो राजनीति मत कीजिए। जो घटनाएं हो रही है, मैं कह रहा हूँ मानवाधिकार भी एक काम करता है, मानवाधिकार गिरोह है देश में सक्रिय है। कानपुर की घटना से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, पहले भी कहा अभी भी कह रहा हूँ, मगर कानून व्यवस्था को कायम रखना भी पुलिस का काम है जी। लेकिन अश्विनी शाही जी, ये तो आपको लगता होगा कि कहीं तो कुछ तो लगा होगा उच्च अधिकारियों को, जिन्होंने संज्ञान लिया कि इस पुलिस अधिकारी से कुछ गलत हो गया, इसी वजह से सस्पेंशन हुआ। अच्छे कार्य पे तो सस्पेंशन नहीं होता ना पवन जी। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, पिछले 10-15 सालों का कुछ जजेस का फैसला देखिए, हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कोई फैसला आ जाए जी, ये जानते हुए कि इस आदमी का दोष नहीं था, चार थे, पांचवा दोषी नहीं था, लेकिन उस चार के चक्कर में पांचवा भी दोषी पाया जाता है, उसको चाहे एक दिन की सजा हो या 1 साल की सजा हो जाती है, जेल हो जाती है। तो मैं इस चीज को मानने से मैं कतई इनकार नहीं करता हूँ कि लाठी से और इस तरीके से उसको मारना चाहिए वहां, मैं मतलब उसकी समर्थन नहीं करता हूँ मैं,
लाठियों से मारा, मार कर देखिए मारा कब जाता है, बर्बरता नहीं करनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का अभी भी कह रहा हूं मैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप एक बल हल्का बल प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, अगर आवश्यकता थी वहां पर स्थिति कंट्रोल करने के लिए, अगर आवश्यकता थी तो वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले थे। पहले उस बच्ची को मानवता दिखाते हुए, संवेदना दिखाते हुए उस शख्स से ले लिया जाता, उसके बाद उसको कंट्रोल करने के लिए कमर के नीचे लाठी का बल प्रयोग किया जाता है, मानते हैं वो जायज भी है तो वो कर दिया जाता। लेकिन जब वो व्यक्ति कह रहा था कि बच्ची के लग जाएगी अभी मुझे ना मारिए, उस समय शायद उसको नहीं पीटा जाना चाहिए था और शायद इसी वजह से उस पर उस एसएचओ पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। तो हुआ होगा, लेकिन कहीं उस पूरे वीडियो में जिस अधिकारी ने उसके ऊपर लाठी चलाई, कहीं बच्ची की तरफ कहीं कोई लाठी नहीं चलाई, सिर्फ और सिर्फ इसके पैरों पर चलाई, ठीक है, वो भी दिख रहा है। उसका इरादा कहीं बच्ची को चोट पहुंचाने का नहीं था, बच्ची बाद में हाथ भी गई थी, ठीक है। और मैं उसकी वाकई निंदा करता हूं कि इस तरीके से बर्बरता नहीं करनी चाहिए, बल प्रयोग कर उन लोगों को शांत करना चाहिए, ठीक है। कुंवर सिंह जी, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा जो ट्वीट कर रही हैं उसमें सिर्फ योगी आदित्यनाथ सरकार को टारगेट करने की मंशा है? क्योंकि एक कई सीरीज उन्होंने पूरे कई उस वीडियो में कई सारे मामलों को दर्शाया है, यही एक मामला नहीं, ये एक वीडियो नहीं है, उसमें एक सीरीज है वीडियोस की। इसमें मानवाधिकार क्या राजस्थान के लोगों का नहीं है, क्या छत्तीसगढ़ के लोगों का नहीं है, क्या पंजाब के लोगों का नहीं है? और जो अश्विनी शाही जी ने कहा एक मुख्तार अंसारी वाला केस हो गया, इससे पहले जो तरनतारन का जो बॉर्डर पर जब जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था उस समय किस बर्बरता के साथ उसको काटा गया, उसके साथ नहीं था, उसके लिए कम से कम ट्वीट हो जाता, उसके घर पर जाकर उसके परिजनों के साथ संवेदना व्यक्त कर ली जाती, दो आंसू बहा दिए जाते। पवन जी, एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश की घटनाएं होती हैं, किसी भी घटना भी, आगरा में वाल्मीकि को जो जेल के अंदर मार दिया गया था लॉकअप में, क्या वो बर्बरता नहीं थी? आपका सवाल है छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब में, आप आइए ना, यदि घटना होती है, हमारी नेता प्रियंका गांधी जाती है तो आप भी जाइए, आप भी वहां पर आइए, प्रधानमंत्री जी आए, स्वागत है, हम किसी को रोकेंगे नहीं, पर आप तो वहां जाने नहीं देते हैं, आप तो किस तरह से रोकते हैं, पकड़ के जेल में कर देते हैं, लेकिन हम किसी को रोकते तो नहीं है, पर आपका स्वागत है, आप आइए छत्तीसगढ़ में, और अपने मुख्यमंत्रियों को कहिए, जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी के किसानों को दिया है पैसे, सहायता की है, आप भी कहिए छत्तीसगढ़ में शिवराज सिंह चले जाएं, राजस्थान में योगी आदित्यनाथ चले जाएं, किसी ने रोका है क्या? देश में लोकतंत्र है पर हम किसी का रास्ता नहीं रोकते। दूसरी बात, आपने कहा कि घटनाएं होती हैं, आपको याद दिला दूं 705 किसान मरे हैं, शहीद हुए हैं इस पूरे आंदोलन के तहत, केवल कांग्रेस की सरकार पंजाब में 400 किसानों को सहायता दी है 5-5 लाख रुपए की। भाजपा के साथी जी को याद दिला दूं, कृषि मंत्री ने तो सीधे कह दिया मेरे पास आंकड़े नहीं है, आप देश की सरकार चला रहे हैं या एक ग्रुप है कि जिसका काम पूंजीपतियों के लिए, सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए सोचना है? कोरोना महामारी के दौरान जितने मजदूर मरे उनका आंकड़ा नहीं है, डॉक्टर मरे उनका आंकड़ा नहीं है, जो शहीद किसान हुए उनके उनका आंकड़ा नहीं, आपकी सरकार है कि आप क्या कर रहे हैं? इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि देश की सरकार चाहे लेबर कानून लाए, चाहे एजुकेशन कानून लाए, चाहे कृषि कानून लाए, और चाहे देश में के संपत्तियों को निजीकरण के लिए जो लगे हुए, इसलिए पूंजीपतियों की ये सरकार पूंजीपतियों के बारे में सोचती है, देश के किसान गरीब मजदूर के बारे में नहीं सोचती। और मैं स्वागत करूंगा, आप छत्तीसगढ़ आइए, प्रधानमंत्री जी गए थे छत्तीसगढ़, आपने देखा होगा कि आईएएस चश्मा लगा के खड़ा था, उसको सस्पेंड कर दिया। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि जेंटलमैन बनने का अधिकार सिर्फ चाय वाले को नहीं है बल्कि देश के हर नागरिक को है। और ठीक है, जवाब लेते हैं, कई सारे आरोप कुंवर सिंह जी आपने लगा दिए, हवाई अड्डा और हवाई जहाज बेच देना ये सिर्फ बातें बनाना है। ठीक है, जवाब लेते हैं। ने याद दिलाया कर्जे माफी की, तो मैं याद दिला दूं 2012-13 के अंदर 72,000 करोड़ किसानों का कर्जा मनमोहन सिंह सरकार ने माफ किया था। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में 26 लाख,
राजस्थान पंजाब में हमने कर्जा माफ किया, आपने कर्जे के नाम पर नाखून नहीं कटाया है आज तक। ठीक है कुंवर जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं। आपने तमाम सवाल उठा दिए और आपने ये भी कहा कि इस तरीके से तानाशाही की तरह कानून नहीं लाद देने चाहिए थे। शायद आप बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से इमरजेंसी लागू कर दी गई थी वैसे नहीं कहना चाहिए था, शायद आप उस तरफ इशारा कर रहे हो। अश्विनी शाही जी, ये जो अब कुछ जो कुछ चल रहा है, आपको लगता है प्रियंका गांधी वाड्रा जी को उत्तर प्रदेश का प्रभार मिला हुआ है, जिम्मेदारी है उनके ऊपर, और वो सिर्फ यूं ही कह रही हैं, या फिर जो कस्टोडियल डेट्स के ऊपर लगातार आपकी सरकार पर हमले कर रही हैं, तमाम पार्टियां कर रही हैं कि आपकी पार्टी की सरकार में कस्टोडियल डेथ के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ये सिर्फ महज राजनीतिक आरोप हैं या इनके पीछे वाकई कोई आधार है? फाइनल कमेंट अश्विनी शाही जी आपका। पवन जी देखिए, इस समय प्रियंका जी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है उत्तर प्रदेश में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हर जगह आरोप लगाना, मैं तो कह रहा हूँ, अभी कुंवर भाई ने कहा मैं कर्ज माफी से ही शुरू करता हूँ। उत्तर प्रदेश में पहली योगी जी कैबिनेट की बैठक हुई थी तो कर्जा ही माफ किया गया था, उसकी बात नहीं है। लेकिन जो एक दो तीन चार दस तक की गिनती की नहीं, वो कर्जा माफ नहीं हुआ, आरसी क्यों कटा है वहाँ? दूसरी बात, कोरोना में मृत्यु का आंकड़े की बात आपने की, आपकी सरकार है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में, आप लोगों ने आंकड़े नहीं दिए। महाराष्ट्र में जबकि सबसे ज्यादा मौतें हुई कोरोना से, आपने आंकड़े नहीं दिए, तो सरकार ने वहां आंकड़े नहीं बताए, ये आपको देना चाहिए था। उसके बाद आप आरोप लगाते रहते हैं कि क्या कहते हैं बेचने की, विनिमयीकरण का शुरुआत जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार में शुरू हुआ था, आपको ये ध्यान होना चाहिए कहां से शुरू हुआ। और 10,000 करोड़ 8,000 करोड़ के कर्जे में जो कंपनी थी एयर इंडिया, अगर उसको बेचकर सरकार ने उस 8,000 करोड़ का विकास कामों में लगाने का फैसला किया तो ये सराहनीय काम है। आप 8,000 करोड़ देश कर्जे में रहे, मनमोहन सिंह आपके वित्त मंत्री थे और सोना आप लोगों ने बेचा था, और आज 6,500 करोड़ डॉलर का विदेशी वो है, अपना रिजर्व है हिंदुस्तान में। तो उस समय तो आप लोगों ने सोना बेच दिया था, आज रिजर्व हमारे पास है, आज हम सामरिक रूप से मजबूत है, IS-400 हमारे पास है, सेना हमारी मजबूत है। आपके पास तो जूते तक नहीं थे युद्ध लड़ने के लिए, सेना आपने मंसूबों के बदलो कर ली। तो बहुत सी चीजें हैं, उसमें कहने की बात नहीं है। पवन जी, मैं फिर मुद्दे पर आकर बात करना चाहता हूँ कि जो भी इस समय प्रियंका जी मुद्दे उठा रही है उसमें सभी मुद्दे चुनाव से प्रेरित है, और भारतीय जनता पार्टी की इस समय योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बेहतर काम कर रही है। कानून व्यवस्था अगर कायम कर उसमें अपराधियों को ठोकने का एक हिम्मत कहने का हिम्मत रखने वाला एक एकमात्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पूरे देश में योगी आदित्यनाथ है। किसी की हिम्मत है तो कह दे कि हम ठोक देंगे, सब लोग अपराधियों के बल पर अपनी सरकार चलाते हैं, हम लोग एकदम संगठित अपराध को खत्म करने का काम करते हैं। चलिए, वक्त इतनी ज्यादा दे रहा है, अश्विनी शाही जी और कुंवर सिंह जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया आर्या न्यूज से जुड़ने के लिए। लेकिन अभी जो कुछ उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ये सब कुछ चल रहा है, जिसमें वरुण गांधी जी सामने आ रहे हैं, इसमें प्रियंका गांधी जी एक सीरीज पोस्ट कर रही है, ये दौर अभी बहुत लंबा आगे जाने वाला है, क्योंकि चुनावों में हर कोई अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाने की कसमकश में लगा हुआ है, इसी को लेकर यह पूरी रस्साकसी चल रही है। वरुण गांधी इससे पहले किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, अब यूपी की कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि उनको पार्टी से बाहर जाकर यह सवाल उठाने चाहिए। क्या बीजेपी वरुण गांधी पर कोई एक्शन ले सकती है या वरुण गांधी पार्टी छोड़ सकते हैं? इस सब चीजों पर रहेगी आर्या न्यूज की नजर। आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।